आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीने की बहुत ही टेस्टी चटनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी धनिया पत्ती, आधा कटोरी पुदीने की पत्तियाँ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्ची, आधा चम्मच लेमन जूस और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे धनिया पत्ती। 1 कटोरी धनिया पत्ती के लिए आधा कटोरी वो पुदीने की पत्ती काफ़ी रहती है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालना, ज़्यादा पुदीना डालने से चटनी कड़वी हो सकती है। आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लेमन जूस डालेंगे, 2 हरी मिर्ची डालेंगे और अदरक लहसुन डाल देंगे। देखिए ये डाल दिया है। अब यहाँ पे डालेंगे प्याज, ठीक है। अब इसको करेंगे ग्राइंड। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, किसी भी स्नैक्स के साथ एंजॉय की जा सकती है, चाट के साथ खाई जा सकती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अब हम यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लेंगे और इसको कर देंगे ग्राइंड। तो ये देखिए हमारी चटनी हो चुकी है ग्राइंड। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो चलो इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमें कटोरे में इसको निकाल लिया चटनी को। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।